नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। जीवनदायिनी नारी शक्ति ने आज फिर देश दुनिया को ये साबित किया कि नारियों के बिना जीवन की उत्पत्ति बेमाने है। ममता, करुणा और प्रेम की मूरत नारियों ने आज दूसरों को जीवन दान देने के मकसद से कड़ी धूप की परवाह न करते हुए पद यात्रा की और लोगों को मरणोपरांत अंग दान करने के लिए जागरूक किया। आपको बता दें कि शनिवार 31 अगस्त को पूरे देश में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ। अंग दान पर ऐतिहासिक जागरूकता इसी क्रम में संस्था के आसनसोल शाखा के अध्यक्ष मधु ढोडवाल ने एक बृहद अंगदान जागरूकता रैली आसनसोल के एनएस रोड स्थित आरएल के नर्सिंग होम के समीप निकाली गई। मैडम, आज आप लोग यहाँ क्या प्रोग्राम कर रहे हो? अंगदान पर जागरूकता रैली कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम आपका यहाँ? क्या कहाँ कहाँ जाएगी रैली? ये जाएगी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक। अच्छा, मैसेज माने क्या है, मकसद क्या? मैसेज यही है कि जनता को, समाज को मालूम होना चाहिए कि अंग दान भी अब होता है, तो सभी को इसके लिए जागरूक हो। प्रोग्राम में सपोर्ट कौन कौन लोग कर रहे हैं? प्रोग्राम में सपोर्ट, एक तो आरएल के नर्सिंग होम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर रही है, पुलिस थाना भी कर रहे हैं, पूरा आसनसोल का समाज ही हमारा सपोर्ट कर रहा है, सभी बहनें आई हैं, ये सपोर्ट ही है। ये शहर में हम लोग देख रहे हैं इस किस्म का पहला प्रोग्राम है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, सब कोई बहुत ही जोश में है, सबके जज्बे को देख कर ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है। ये रैली में कितने लोग शामिल होंगे? मुझे तो उम्मीद है 150 से 200 होना चाहिए, जितना ज़्यादा जागरूकता मिली है। जो लोग अंगदान करना चाहते हैं उसके लिए क्या मैसेज है आपको, क्या मैसेज करना चाहते हैं? यही है कि अंगदान कर वो एक दूसरे जीवन दान दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, तो ज़रूर करना चाहिए अंगदान, साथ में आए। इस तरह का प्रोग्राम तो ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है ना? या आज के दिन, उस बारे में थोड़ा बताइए क्या? आज के दिन अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ऑल इंडिया में ये एक मिसाल कायम कर रही है, आज ही के दिन इस तरह की जागरूकता रैली करके एक मिसाल कायम कर रही है। देखिए, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आज पूरे देश में जितनी भी शाखाएं हैं सभी एक ही साथ मिल करके आज अंगदान को लेकर रैली निकाल रही हैं। यह बहुत ही समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है और मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं भी इस कार्यक्रम की हिस्सा बनी हूँ। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी अंगदान करें, क्योंकि जीवन में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हम अपने अंग का दान करते हैं, जैसे आँख का दान करते हैं या कोई भी अपने शरीर के कोई भी अंगों का दान करते हैं, तो जिनको ये हमारे दिए हुए अंग किसी को मिलते हैं तो उनका बहुत उपकार होता है, बहुत भलाई होती है, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो आसनसोल शाखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ कि वो आज इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है आपको? आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके ये लग रहा है कि आज महिला लोग जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है ये एक आसनसोल के लिए मिसाल होगी। ये ऑर्गेन डोनेशन के लिए जो महिला लोगों ने ये जो काम किया ये काबिले तारीफ है। आप तो इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, इसमें मैंने बॉडी डोनेट रोल है, इसमें मैं बॉडी डोनेट कर रहा हूँ और महिला लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या समाज के लिए और लोगों को समाज चाहिए? इसमें समाज को हर तबका के हर लोग को जोड़ना चाहिए। जो लोग अंगदान नहीं करें उनके लिए क्या मैसेज है? उन लोगों को इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार केडिया। আজকের এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করে নিজেকে তো খুব ধন্য মনে করছি, কারণ এরকম অবস্থাতে আমি নিজেকে রাখতে পেরেছি, কারণ আমি একজন মানব এবং আমি মনে করি রক্তদান প্রথম দান জীবনের, এবং মানুষের যখন সে জীবিত থাকে এবং মানুষ যখন তার চলে যায় তার নিজের অঙ্গীকার ছেড়ে যেতে চায় কিছুর মাধ্যমে, তো তার অঙ্গদান হিসাবে তার অঙ্গীকার
এই পৃথিবীর বুকে ছেড়ে যাওয়া আবার করে পুনরুজ্জীবন করাতে আমি মনে করি এই একটি মহৎ উদ্যোগ, এবং এই মারোয়াড়ি মহিলা উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য পশ্চিম বর্ধমান আসানসোলের বুকে, তার জন্য এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। স্বামীলোকে কেসে লাগ রা আপনি? बड़े गर्व की बात है, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में आज अंगदान पर एक लोगों को जागरूक करने के लिए एक मिशन निकाली, जो वास्तव में ही ये सौभाग्य की बात है। लोगों को जागरूक करना, ये महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो विश्व ही आगे नहीं बढ़ सकता। हम भारत में नारी को शक्ति मानते हैं, जब तक महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा तब किसी चीज़ में भी समाज के कामों को आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, ये लोग जब भी किसी प्रोग्राम को लेते हैं, ये आसनसोल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इनकी जो संस्था है वो हर सामाजिक कार्य में तत्पर रहती है। जैसे अभी इन्होंने लिया अंगदान, इनके जो हेडक्वार्टर से इनके पास खबर आया और ये साथ साथ आज पूरे अंचल में, भले आसनसोल आज इन्होंने निकाला है, नियामतपुर में, हर जगह इनकी जो शाखा है वो अंगदान पर। और एक बात बड़ी खुशी जाहिर होती है कि जब अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन आसनसोल शाखा ने ये सिद्धांत लिया और एक दिन आगे ही वो जब मैसेज में गया है, लोगों के पास फेसबुक में गया है, तो दो दिन आगे ही मैं देखा मेरे पास एक कलकत्ते से फोन आया, क्योंकि जब ये मैसेज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का गया कि अंगदान पर वो लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके मन में भावना जागी और उन्होंने एक मैसेज भेजा मेरे पास। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उनको पूछा कि मैंने देखा मैसेज में आप भेजे हैं कि आपके घर में कोई महिला की डेथ हो गई है, वो अंगदान देना चाहती है। मैंने साथ साथ फिर बात कर कलकत्ते में कांटेक्ट कर उनको मैंने नंबर दिया और नंबर देके मैंने उनको कहा आप उनसे कांटेक्ट कर लो, और कांटेक्ट करने के बाद जैसा हो सके वो देख लेना और आगे ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका रिस्पॉन्स भी लोगों को मिल रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने जो कार्यक्रम लिया उस कार्यक्रम को जागरूक करने के लिए, देखिए पहले इनका फेसबुक जाते ही जुड़े हैं और लोग जुड़ना आरंभ कर, वो भी इनका जो कंसेप्ट आया फर्स्ट बार, हाँ, कैसा लगा उनके लिए, क्या कहने चाहिए? बहुत अच्छा। और देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, और महिला ही किसी की डेथ हुई है उसी ने अपने परिवार को कहा और कहा, इसलिए महिला सम्मेलन हर कामों में आगे रहती है। जो लोग ये काम कर रहे हैं आसनसोल में उसके लिए क्या मैसेज है? आसनसोल मारवाड़ी महिला के लिए, आसनसोल की जो मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो अध्यक्ष है और शाखाएं की जितनी भी यहाँ पर मेरी बहनें हैं, सभी हर काम में, और इनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस काम में आगे बढ़ो और हमारा जो सपोर्ट है वो करेंगे। और इस बारे में मेरे आने के फोन आने के बाद मुझे बहुत कुछ इस बारे में सरकार से जानकारियां लेनी है, वो मैं लेकर मेरी जितनी हेल्प की दरकार है मैं इनको अवश्य करूंगा, क्योंकि लोगों को जीवन को बचाना ये बहुत बड़ी है। भगवान ने बनाया है हमें कि हम सब एक हैं, हर धर्म के आदमी को यही मानना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, ये अगर सबके मन में रहेगा तो हर काम में लोग सफल होंगे। जागरूकता जो अंधविश्वास धार्मिक अंधविश्वास और भारतीयों फैल रही है वो हम लोग मिटा सके। आज पूरी जनता ने देखा है कि अंगदान जो नारे लगे हैं इससे उनमें भी एक जागरूकता आई है, और यहाँ आज समाज के बहुत ही गणमान्य सभी कोई उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगी कि आगे कुछ ऐसा प्रबंधन करे हमारे शहर की कि अगर जनता कोई भी अंगदान में तैयार हो तो उनकी सुविधा उन्हें मिल सके। आसनसोल का जो शाखा है इनके सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आज हम लोग का इस शहर में, इस नगरी में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने किया। हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, आई ऑपरेशन का कैंप करते हैं, हम लोग मेडिकल चेकअप का कैंप करते हैं,
ये सभी समाज के लिए होता है, लेकिन समाज का सबसे बड़ा काम कि एक आदमी जो कोई भी हम लोग का शरीर का अंग के लिए मृत्यु निश्चित हो जाता है और उसी समय कोई मरने वाला अगर उसका शरीर का कोई अंग डोनेट कर देते हैं तो बच जाता है। हम लोग पिछला एक दो साल से कलकत्ता में देख रहे हैं, ये अंगदान होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बना के हम लोग का सीएम चीफ मिनिस्टर जहां 2 घंटे का रास्ता वो 10-15 मिनट के अंदर वही हमको पहुंचा देते हैं। पीजी हॉस्पिटल में अभी हम लोग का स्टेट का और बहुत सा हॉस्पिटल में ये अंग का प्रतिस्थापन इसका काम हो रहा है। आसनसोल में भी आज भी लोग आगे आए, हमने सुना कि आज राजेश केडिया उन्होंने अनाउंस करेंगे कि उनका अंग उनका शरीर मृत्यु का बाद अगर उसमें कोई भी प्राण बचेगा किसी का भी जान बचेगा, हार्ट का दरकार होता है, किडनी का दरकार होता है और सभी लंग्स का दरकार होता है, ये प्रतिस्थापन करने के लिए तो मैं राजेश केडिया को बधाई देता हूँ और आसनसोलवासी को मैं इतना ही कहता हूँ कि अपने मृत्यु का बाद शरीर जो हिंदू होता है तो मशान घाट में जाता है और उसको जला दिया जाता है, अगर मुस्लिम होता है तो कब्रिस्तान में जाके उसको कफन दिया जाता है। शरीर का कुछ रहता नहीं है, तो अगर हम काम करने से किसी का जान बचे, खास करके छोटे बच्चे लोग का जान बचे, तो इससे बड़ा काम आप कुछ हो नहीं सकता है। मैं ये अभी भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन इनको मैं फिर से बधाई दे रहा हूँ, ऐसा प्रोग्राम उन लोग और करें। आज जो काम शुरू हुआ ये काम हम लोग का आसनसोल का जो शिक्षांचल है सभी जगह में आप लोग करिए, उसके लिए जो भी मदद कर रहा है जो भी सहयोग का दरकार है मैं आप लोग का साथ में हूँ और आप लोग का साथ में रहूँगा। इतने कहते हुए मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।